सौर मंडल के बाहर वैज्ञानिक खोज रहे हैं प्लैनेट 9। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह मौजूद हैं ये बात आप सब जान चुके हैं। हालांकि कभी कभी तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के बीच एक मार्स जितना बड़ा ग्रह मौजूद है, या फिर यह अफवाह कि कोई ब्राउन ड्वार्फ तारा हमारे सौरमंडल की तरफ आ रहा है। वैज्ञानिकों के पास अब कई शक्तिशाली टेलीस्कोप और दूसरे उपकरण आ चुके हैं, जिससे वे आसानी से इतने बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि सौरमंडल में है बता सकते हैं। लेकिन सौरमंडल के बाहर, सौरमंडल के किनारे पर बहुत छोटे प्लैनेट जैसे कि पृथ्वी से 5 गुना बड़े प्लैनेट 9 के बारे में ठीक ठीक बता पाना अभी तक मुश्किल है। प्लैनेट 9 की खोज अभी तक नहीं हुई है। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर इस ग्रह के होने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, पिछले कई सालों से एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सौरमंडल के किनारे पर यह अजीब नया ग्रह हो सकता है। पहले तो हमारे पास इतने शक्तिशाली टेलीस्कोप नहीं थे, लेकिन अब कई बड़े टेलीस्कोप जमीन और आसमान में तैनात है। इस सब खोजबीन में वैज्ञानिकों को सौरमंडल के किनारे पर केवल बहुत छोटे बर्फीले बौने ग्रह ही मिले हैं, जिनका आकार प्लूटो से छोटा है, जिन्हें बर्फीले एस्टेरॉइड्स कहा जा सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन छोटे बर्फीले पिंडों के ऑर्बिट्स को देखा तो ये पाया कि ये सभी एक ओर झुके हुए हैं। ऐसा लगता है ये किसी भारी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इन्हें प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों ने इस छुपे हुए प्लैनेट को प्लैनेट 9 नाम दिया है। मैथ कैलकुलेशंस बताती हैं कि इस छुपे हुए प्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा होना चाहिए और सूर्य से इसकी दूरी 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होनी चाहिए। इतने छोटे प्लैनेट को इतनी अधिक दूर पर देख पाने की क्षमता अभी हमारे टेलीस्कोप्स में नहीं है। इतनी दूर स्थित ग्रह को दृश्य प्रकाश में देख पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस प्लैनेट से आ रही ऊष्मीय तरंगों इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने की कोशिश की। सूर्य से इतनी अधिक दूर होने की वजह से इस ग्रह की गति बहुत धीमी होगी। इस वजह से भी प्लैनेट 9 को खोज पाना बहुत मुश्किल है। अब वैज्ञानिकों ने 20 सालों के अंतर से हुए 2 इंफ्रारेड सर्वेस का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट IRAS और एकारी स्पेस टेलीस्कोप को यूज किया। वैज्ञानिकों ने सोचा था 20 वर्षों के अंतराल में प्लैनेट 9 अपनी जगह से थोड़ा तो जरूर आगे बढ़ा होगा और यह आसानी से पकड़ में आ जाएगा। शुरू में वैज्ञानिकों को कुल 500 छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि सूर्य से 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी के दायरे में थे। लेकिन जब इन ऑब्जेक्ट्स का गहराई से विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सिग्नल्स दरअसल एक बहुत धुंधली फ्लक्स नेब्यूला से आ रहे थे जो कि हमारे सौरमंडल के बाहर फैली हुई है। इस फ्लक्स नेबुला को गैलेक्टिक सिररस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरस्टेलर गैस के बादल होते हैं जो कि बहुत धीमा इंफ्रारेड प्रकाश रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लैनेट 9 खोजने के चक्कर में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर ये अनोखी फ्लक्स नेबुला खोज लिए। प्लैनेट 9 को खोजने के इस प्रयास में तो वैज्ञानिकों के हाथ निराशा ही लगी। अगर प्लैनेट 9 सौरमंडल में नहीं है तो फिर सौरमंडल के किनारे पर मौजूद बर्फीले एस्टेरॉइड्स को किस चीज की ग्रेविटी प्रभावित कर रही है, यह वैज्ञानिक रहस्य तो अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या है आखिर वो चीज जो हमारे सौरमंडल के आखिरी किनारे पर है, जिसे हम बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं खोज पा रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए पेश करते रहेंगे।